अखिलेश के मुद्दे पर सवाल किया गया तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए और केजरीवाल ने माइक अखिलेश यादव की तरफ कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि देश में इससे बड़े और भी मुद्दे हैं। हालांकि बाद में संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके और जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको इस पर राजनीतिक खेल ना खेले, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भले ही विभव कुमार पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विभव सिंह लगातार केजरीवाल और संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय भी विभव कुमार उनके साथ थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें घेरे हुए थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से छुपते छुपाते मीडिया के सवालों से लगातार वो बचते निकल गए और मीडिया को उनसे बात करने से लगातार रोका भी जा रहा था। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, लेकिन चौंका देने वाली खबर यह है कि विभव कुमार जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, वो इस वक्त गाड़ी में मौजूद है। वो उनके साथ बाकायदा समाजवादी पार्टी कार्यालय तक आए। विभव की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बट जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने गाड़ी को घेर रखा है, किसी भी मीडियाकर्मी को पास जाने नहीं दे रहे। हमने विभव से सवाल लेने की भी कोशिश की बट किसी को भी जाने का मौका नहीं मिल रहा है। हमने सबसे पहले देखा कि विभव गाड़ी में बाकायदा मौजूद है मुख्यमंत्री के साथ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मुख्यमंत्री करने आए तो विभव कुमार समाजवादी पार्टी कार्यालय तक आए। भाई साहब, आप लोग बात क्यों नहीं करने दे रहे? अगर कुछ छुपाने को नहीं तो बात करने दीजिए। तो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, जब समय आएगा तो हम बात करेंगे, पर दिक्कत ये है कि विभव कुमार वहाँ देखे, ये देखे कैमरामैन को हम कहेंगे एक बार दिखाएं, विभव वहाँ पे बैठे हुए हैं, विभव हमारे सवाल सुन भी रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग कहाँ जाने दे रहे हैं? कहीं नहीं जाने दे, अभी प्रेस वार्ता हो गई, उसमें सारी बातें, कहाँ कुछ सवाल नहीं, सब थे, आप नीचे थे वहाँ पर सारी चीजें सामने, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अरविंद केजरीवाल बात हुई, शायद आप आए नहीं थे, नीचे सारी बात हो गई। बीजेपी कह रही है डबल स्टैंडर्ड, बीजेपी हार रही है इसलिए वो ऐसा कह रही है। अच्छा, अरविंद पार्टी कार्यकर्ता गाड़ी के पास जाने नहीं दे रहे, विभव कुमार गाड़ी में इस वक्त बैठे हैं, आप उनपे पैन कीजिए, आप उनपे पैन कीजिए। विभव कुमार बैठे हुए हैं गाड़ी में, लगातार फोन पे बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से। विभव कुमार समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। कल तक संजय सिंह स्वाति से बदसलूकी के मामले में विभव कुमार पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन आज संजय सिंह विभव कुमार का बचाव करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको इस पर राजनीतिक खेल ना खेले, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। और स्वाति मालीवाल के सवाल पर केजरीवाल की चुप्पी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही अखिलेश यादव के देश में और भी मुद्दे हैं वाले बयान पर भी निशाना साधा गया। तो लगातार सियासी बयानबाजी इस पूरे मसले को लेकर हो रही है और कई सारे सवाल केजरीवाल से लगातार बीजेपी की ओर से भी अब पूछे जा रहे हैं। और ऐसे में अब बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल के घर पर पाप हो रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था।
कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है, कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें, ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिए साथ में, वहां पे पंचर साइकिल, फटा टायर, अखिलेश यादव बैठे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये इतना जरूरी नहीं है, और भी बहुत जरूरी बातें हैं करने के लिए। महिला सम्मान जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, महिला सम्मान की चिंता इन्हें है नहीं। और ये जो जहरीली सोच है, इसीलिए मैंने आपसे कहा भ्रष्टाचार की बोतल में महिला सम्मान का दम घोट के शराब परोस रहे थे, और दोनों नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय मिलेगा, त्वरित कार्रवाई होगी, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं हर महिला से। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। पीएम मोदी की हुंकार, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का आरोप, कहा समाजवादी पार्टी के शहजादे करते थे दंगाइयों का सम्मान। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस की जांच तेज, स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम 6 दिन की ईडी रिमांड पर, कोर्ट में ईडी का दावा, सचिव के सहायक के घर से मिले 37 करोड़ कैश के मालिक आलमगीर आलम। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। कांग्रेस नेता और झारखंड के मंत्री आलमगीर गिरफ्तार। 2 दिन 16 घंटे हुई पूछताछ, अब गिरफ्तारी।